तो फिर हमेशा ही कैप्टन के पास क्वेश्चन रहता है एक तो उसी चीज़ की बात हुई थी और यहाँ पे सबको हम चांस देना चाहते थे एज ए टीम जो भी हमारे पार्ट टाइम बोलर्स हैं उनको या फिर जो सिक्स या सेवन्थ बोलिंग ऑप्शन है उनको थोड़ा चांस uh, दे के ताकि आगे हमारे पास थोड़ी uh, उनको एक्सपीरियंस मिले और आगे थोड़ा क्लियर हो जाए वो uh, कहाँ पे काम करने वाला है उनके ऊपर uh, जी आई थिंक जिस हिसाब से uh, विकेट की कंडीशंस थी यहाँ पे Uh, थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन थी स्पेशली पहले जो छः सात ओवर थे और पावर प्ले में uh, हमेशा बॉल कुछ ना कुछ uh, करती थी तो उस लिहाज से आई थिंक कोशिश मेरी यही रहती थी कि एज अ ओपनिंग बैट्समैन पहले जो चार पांच ओवर उसमें जितना कम विकेट uh, जाए उसके बाद कैपिटलाइज uh, करने की कोशिश रहती थी डेफिनेटली वेरी एनर्जेटिक द क्राउड वेरी एनर्जेटिक एंड द एटमोसफियर दैट एक्चुअली I think anyone who got the opportunity grabbed it with both their hands. Uh, uh, the openers from bowlers to all rounders to spinners, I think anyone who got the opportunity really uh, showed their mark. And uh, I think it will be up to the selectors now because I think they have seen almost everything to be able to uh, name the squad for the next series. I think it's very thing that perform and that are hungry. Uh, आराम से इजी लेने को तैयार नहीं है जो कि आई थिंक हमेशा ये किसी भी कंट्री uh, uh, के लिए या फिर किसी भी बोर्ड के लिए बहुत अच्छी बात होती है या डेफिनेटली देट्स वन थिंग व्हाट वी टॉक्ट अबाउट बिफोर द मैच आई थिंक बोथ ऑफ देम हैविंग बोल्ड अराउंड फोर टू फाइव ओवर टू फाइव ओवर वॉज द प्लान विच गिवी लिटल मोर क्वेश्चन टू बी एबल टू हैव मोर ऑप्शंस एंड इन द फर्स्ट कपल ऑफ मैचिज अभिषेक न्यू देट ही बोलिंग अप टू हिज मार्क बट आई थिंक द वे ही केम बैक वॉज जस्ट मेक डिफिसेंट या डेफिनेटली आई थिंक कप्तानी में सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि वो प्लेयर्स में आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको दिखा सकते हो और मेरा यही रहता है कि उनको ज्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दोगे और उनको इस चीज़ का विश्वास दिलाओ कि जो भी तुम्हारे प्लान्स है अगर तुम उस पर उसके ऊपर एग्जीक्यूट करोगे तो तुम हमेशा ही अच्छा करोगे और वही मेरी कोशिश रहती है

वो वर्ल्ड कप के स्कॉड में भी बहुत आई थिंक बहुत कम मार्जिन से चूके होंगे बट अगर वो ऐसी बॉलिंग करते रहेंगे तो होपफुली पक्का आ, उनको आगे कंसिडर किया जाएगा